क्या लोकसभा चुनाव मोदी जीते तो बदल देंगे पूरा संविधान? क्या संविधान को बदलने के लिए ही मोदी जी ने दिया है अब की बार 400 पार का नारा? क्या विपक्ष इंडिया गठबंधन संविधान बदलने का डर दिखाकर मांग रही है वोट? या सच में अब की बार 400 पार के नारे से लोकतंत्र ही खत्म कर देना चाहती है मोदी सरकार? आइए इन्हीं सब बातों को पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं विश्वमित राठौर आप सभी लोगों का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जितने भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीजेपी के अब की बार 400 पार का नारा दिया तो विपक्ष ने भी इस नारे को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया है, बल्कि वह इसके पीछे की मंशा पर जोर जोर से सवाल भी उठा रहा है। जब से लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हुआ है, हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, शहर, गली चौराहे पर मोदी जी के चुनाव जीतने पर संविधान बदलने की चर्चा चारों तरफ चल रही है। आजकल हर छोटे बड़े, युवा, मतदाता, बेरोजगार, किसान, व्यापार आदि सभी के जवान पर केवल संविधान को हटा देने की ही बात चल रही है। वहीं विपक्ष के नेता भी दावा कर रहे हैं कि अब की बार बीजेपी 400 पार का नारा सिर्फ संविधान बदलने व लोकतंत्र को समाप्त कर देने के लिए ही कर रही है। तो अब आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि क्या सच में मोदी जी 4 जून को अगर जीत जाते हैं तो पूरे संविधान ही बदल देंगे? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार और मोदी जी ने अपने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण से लेकर के अभी तक 5वें चरण तक अपने हर रैली में उन्होंने साफ साफ और कड़े शब्दों में कहा है कि मैं जब तक जिंदा हूँ कोई भी संविधान को नहीं बदल सकता। अर्थात मोदी जी ने अपने रैली के माध्यम से ये साफ साफ कह चुके हैं कि वह अपने अगले कार्यकाल और तीसरे कार्यकाल के दौरान वो कोई भी संविधान संशोधन नहीं करने जा रहे हैं। ये बस विपक्ष के द्वारा लोगों में डर दिखा कर मोदी जी जीत जाएंगे तो तानाशाही आ जाएगी और देश मोदी का गुलाम हो जाएगा, ऐसा दुष्प्रचार केवल विपक्ष के तरफ से करके वोट मांगा जा रहा है। वही कांग्रेस समेत कई पार्टियां मतदाताओं को यह बात हर रैली में बताई जा रही है। विपक्ष के हिसाब से विकास, बेरोजगारी, शिक्षा पर शुरू हुआ ये लोकसभा चुनाव अब संविधान बचाने के मुद्दे पर आ रुका है। तो वहीं कांग्रेस पहले मोदी जी के 5 किलो अनाज का मजाक बना रही थी, पर अब लोकसभा चुनाव में पिछड़ते हुए देख खुद 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने की बात कर रही है। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव इत्यादि सभी विपक्ष के नेता देश के संविधान को बचाने के लिए रैली को संबोधित करते नजर हुए आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि कोई भी सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान को नहीं बदल सकती और कांग्रेस केवल झूठ फैला रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसे बदलने की योजना बना रही है। वह नासिक लोकसभा सीट से सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार शिवसेना के हेमंत गोडसे के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को कोई भी सरकार नहीं बदल सकती, केवल इसमें संशोधन किया जा सकता है। कांग्रेस ने 80 बार संविधान में संशोधन करने का पाप किया है, इसके बावजूद वे दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। गडकरी ने रैली को संबोधित करते हुए सबका साथ सबका विकास करते हुए सरकार का मंत्र है कि जिसने किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव किए बिना विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। AIIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, कहा कि वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान को मोरल किताब मानते हैं, खतरा उनसे नहीं इन लोगों से है, ये फेडरलिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। संभल वाले बाबा मोदी से मिलकर आए हैं और कहने लगे कि अगले धर्म संसद में आरक्षण खत्म करने का प्रस्ताव करेंगे, संविधान को बदलने का काम होगा, आरक्षण को खत्म करने का काम होगा। ओवैसी ने तो ये भी कहा कि लोग मुसलमानों पर घिनौने आरोप लगाते हैं, घुसपैठिया करते हैं, मंगलसूत्र छीनने वाला करते हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों का पॉपुलेशन रेट गिरा है। UCC उत्तराखंड में लागू किया गया है, प्रावधान किया गया है कि मुसलमान की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी। ऐसा कहीं होता है क्या कि मुसलमान की शादी निकाह से होती है, इसमें गवाह लगते हैं?
तो आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि अगर मोदी जी जीत जाते हैं तो सच में संविधान बदल देगी या केवल ये विपक्ष का एक चुनावी मुद्दा है? तो आप कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक